अब से कुछ ही दिनों में नए कारोबारी साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की शुरुआत होने जा रही है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। नया फाइनेंशियल ईयर, नया महीना आपके जीवन में कई अहम बदलाव लेकर के सामने आएगा। अब आप कहेंगे कि हर महीने तो कुछ ना कुछ बदलाव तो होता ही रहता है, फिर अप्रैल में ऐसा क्या खास होने वाला है? असल में फास्ट टैग से लेकर पर्सन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम और बाकी पैसे रुपए से जुड़े कई बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी यानी लागू हो जाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो आइए बिना देर किए 1 अप्रैल से क्या क्या अहम बदलाव होंगे, जिनका असर देश के हर मिडिल क्लास पर पड़ेगा, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फास्टैग पर बात करते हैं। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से KYC अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर देगा। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद आपका पेमेंट नहीं होगा। बता दें, NHAI ने फास्टैग कस्टमर से RBI के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। अब आइए NPS पर यानी नेशनल पेंशन सिस्टम पर। अगले महीने से पेंशन फंड नियामक यानी PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा लॉगिन प्रोसेस में बदलाव करने का फैसला किया है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। इसके तहत NPS खाते में लॉगिन करने के लिए 2 सत्यापन यानी 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसमें NPS सब्सक्राइबर्स को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए OTP के जरिए लॉगिन करना होगा। पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो बैंक ट्रांजैक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आ जाएगी। असल में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है। इसके बाद भी यदि कोई नियम फॉलो नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सभी यूजर्स पैन को आधार से 31 मार्च तक लिंक करा लें। इसके बाद पैन को एक्टिवेट कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर आपको ₹1,000 जुर्माना भी देना पड़ सकता है, तो फटाफट ये भी काम निपटा लें। EPFO में भी बड़ा बदलाव होने वाला है, ये मामला भी समझ लीजिए। असल में 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। नए नियम के तहत यदि आप नौकरी चेंज भी करते हैं तो आपका पुराना PF ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब नौकरी पेशा लोगों को नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN रखने के बाद भी PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता है। अब आइए SBI क्रेडिट कार्ड पर। अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो SBI 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में कई बड़े बदलाव कर रहा है। 1 अप्रैल से अगर आपने रेंट पेमेंट किया तो आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा तो कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 15 अप्रैल से प्रभावी होगा। तो पेमेंट करने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। LPG गैस पर क्या अपडेट है ये भी जान लीजिए। देश भर में हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी LPG सिलेंडर के दाम रिवाइज होने वाले हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, ऐसे में कुछ परिवर्तन होने की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन इस बार LPG के घरेलू सिलेंडर के दामों में जरूर कटौती देखने को मिल सकती है। बता दें, हाल ही में PM मोदी ने LPG गैस के दाम पर छूट की बात कही थी और हालिया में ₹100 की कटौती भी की थी। तो फाइनेंशियल कैलेंडर खत्म होने में अभी भी 7 दिन बचे हैं। मामला फाइनेंस का है तो इससे जुड़े जो जो बातें आपको बताई गई हैं, फाइनेंशियल कैलेंडर के खत्म होने से पहले निपटा लें और चैन की सांस लें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।